चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। पिथौरागढ़ में जोखिम भरी चढ़ाई चढ़ने के बाद यूनिवर्सिटेट की टीम गौरीकुंड पहुंची। हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी ने यहां के हालात का जायजा लिया। जोलीकोंग से एक खड़ी चढ़ाई, एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई, कई किलोमीटर की तेज हवाओं के थपेड़ों के साथ एक चढ़ाई पार करके न्यूज स्टेट की न्यूज नेशन की टीम यहां गौरीकुंड में पहुंची। ये गौरीकुंड है, आपने आज तक केदारनाथ के नीचे वाला गौरीकुंड ही सुना होगा, जो एक छोटा सा कस्बा है, शहर है, वहां माँ गौरी का एक कुंड है जिसमें गर्म पानी रहता है। लेकिन ये गौरीकुंड आदि कैलाश के नीचे है, ऊपर आदि कैलाश है, और हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि ये साक्षात आदि कैलाश के दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और मेरे इसको दिखाने के लिए, अपने दर्शकों को दर्शन कराने के लिए मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। वो मेरे साथ हैं और वो कैमरे के पीछे जरूर हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने अपने कैमरे में समेट कर आप तक पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, ये एक गौरीकुंड जो है, जब भगवान महादेव, भगवान शिव हरिद्वार से विवाह रचाकर माँ पार्वती को लेकर के चले, तो उनका प्रवास यहीं से आदि कैलाश पर था। उन्होंने यहाँ प्रवास किया कुछ दिन, तो ये कुंड है, इस कुंड में माँ पार्वती ने स्नान किया जब तक वो यहाँ रही, तो इसीलिए इसका नाम गौरीकुंड भी पड़ गया है। केदारनाथ के रास्ते में गौरीकुंड जरूर है, लेकिन ये गौरीकुंड अलग तरह का है। वो गौरीकुंड गर्म पानी रखता है, इस गौरीकुंड में बिल्कुल शीतल और बहुत ठंडा जल रहता है। इसको छूना, इसको पीना बहुत ही एक नुकसानदायक भी हो सकता है। और ये वो गौरीकुंड है जिसका धार्मिक महत्व है, ये वो गौरीकुंड है जिसका पौराणिक महत्व है, ये वो गौरीकुंड है जो माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है, और ये वो गौरीकुंड है जहाँ आदि कैलाश अपने ऊपर जो ग्लेशियर समेटे हैं, उन ग्लेशियरों से रिस रिस कर इस कुंड में पानी आता है, और फिर एक छोटी जलधारा के साथ ये पानी कुंड से होकर नीचे जाता रहता है और जोलीकोंग में जाकर एक नदी में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए आदि कैलाश गौरीकुंड से अजीत सिंह राठी। न्यूज स्टेट की टीम पार्वती सरोवर में भी गई। मान्यता है कि विवाह के बाद मां पार्वती भगवान शिव के साथ आदि कैलाश पहुंची थी और यहां उन्होंने स्नान किया था। लोग इस सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। न्यूज स्टेट और न्यूज नेशन की टीम आज पहुंची है पार्वती सरोवर, और मैं पार्वती सरोवर के बारे में आपको बता दूं कि ये पार्वती कुंड के नाम से जाना जाता है, और इस कुंड में भी माँ पार्वती ने स्नान किया था जब भगवान शिव उनके विवाह रचाने के उपरांत उनको लेकर के आए थे और वो आदि कैलाश में रुके थे। देखिए कितना जबरदस्त संयोग है कि वो सामने आदि कैलाश है, आप उसको जरा गौर से देखिए, और उसकी बिल्कुल एकदम गोद में एक झील है जिसका नाम गौरीकुंड है, उसमें भी माँ पार्वती ने स्नान किया था, वो भी उन्हीं के नाम पे हो गई, गौरीकुंड के नाम पे। वो ऊपर आदि कैलाश हो गए, भगवान आदि कैलाश हैं, और अब नीचे अगर आते हैं तो ये सामने आदि कैलाश है और ये पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड, जो भी आप इसको कहना चाहे, वो हो गया है। तो ये एक ऐसी अंतर्ध्वनि है कि यही सब आसपास हैं और ऐसा लगता है सब यही विद्यमान है। ये कुंड माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है, और चारों तरफ ऊंचे पर्वत और बादल भी छाए हैं, और लगा कितनी खूबसूरत पहाड़ों की श्रृंखला है। तो यहाँ जब विवाह के उपरांत माँ पार्वती भगवान शिव के साथ आई, तो तब ये प्रवास के समय की ये धार्मिक स्थल हैं। अब वो भगवान केदार, भगवान शिव वहाँ एक बार रुके और वो आदि कैलाश हो गया, और वहाँ पर वो हमेशा के लिए विद्यमान हैं, इसीलिए वहाँ पर लोग यात्रा के लिए जाते हैं। माँ पार्वती इस कुंड में नहीं, तो ये कुंड पवित्र हो गया, इसलिए यहाँ लोग डुबकी लगाने आते हैं। और ये माँ पार्वती का मंदिर है मेरे सामने, तो इस माँ पार्वती के मंदिर में उनकी पूजा होती है, भक्त यहाँ आते हैं। और अभी चूंकि प्रधानमंत्री 12 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो उससे पहले मंदिर की सजावट, रंगाई पुताई और ये सब चीजें, साफ सफाई का दौर ये चल रहा है। तो ये आदि कैलाश यात्रा का हम ये कह सकते हैं अपने देश के भीतर ये आखिरी डेस्टिनेशन है। सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए पार्वती कुंड से अजीत सिंह राठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, लोगों को उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता ने उन तमाम लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां आ रहे हैं और हम इस समय जोलीकोंग में हैं, और प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में इस समय आदि कैलाश आ गया है, यानी ये जोलीकोंग का एरिया और आदि कैलाश का एरिया पार्वती कुंड।
प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये भी केदारनाथ यात्रा की तरह आबाद हो जाए, यहां लोग आए, इसीलिए सड़कें बन रही हैं। ये प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, लेकिन यहां के जो मूल लोग हैं उनकी प्राथमिकताओं में कुछ और है। वो चाहते हैं कि तिब्बत के साथ कारोबार खुल जाए किसी तरह से। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा आपका क्या नाम है? पप्पी कोटियाल। अच्छा, पप्पी कोटियाल। जब पहले तिब्बत के साथ कारोबार होता था तो तब कैसा था और यहाँ से हम क्या ले जाते थे तिब्बत वालों के लिए और वहाँ से क्या लाते? हम लोग ले जाते थे गुड़, मिश्री जैसा वो बिसोदा सामान, चावल हावल सब जितना होता है इंडिया का सब ऊपर ले जाते थे। फिर वहाँ से हम लोग ऊन लेके आते थे, फिर कात के बीन के धन चुटका बनाते थे, फिर मेला में भेजते थे। एक जगह जाएंगे तो वहाँ पर दो बार सोचना पड़ता है हमको, अब कहाँ से आएगा खर्चा, कैसे करेंगे कहके, न बच्चों का पूरा कैसे करेंगे कहके बहुत सोचना आता है। जो तिब्बत के साथ आप व्यापार करते थे आपका सामान वहीं छूट गया? वहीं छूटा है। थोड़ा मोदी साहब सर खोल देता तो ठीक ही था हमारे लिए। जी अब आप यहाँ क्या करते हैं? जी मैं यहाँ होटल का व्यवसाय करता हूँ सर। तो यहाँ यात्रियों की संख्या इतनी रहती है जो अपनी आजीविका चल जाए? सर यात्री तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ी ज्यादा आए थे, तो थोड़ा बहुत तो अपना गुजारा हो ही जाता है। इतना स्वास्थ्य के लिए किसी की तबीयत खराब हो तो हमें दारचुआ जाना पड़ता है, दारचुआ भी अच्छी सुविधा नहीं है, तो उसके लिए लोग पिथौरागढ़ रेफर करते हैं। तो मौका लगा तो आप प्रधानमंत्री जी से ये सब समस्याएं कहेंगे? जी यदि मौका मिलेगा तो हम इन समस्या को उनके सामने रखेंगे। तो देखिए कुछ भी कहे कोई, विकास कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन ये जो सामरिक महत्व का इलाका है जो तिब्बत से मिलता है, यहाँ ये सामरिक महत्व का है, धार्मिक महत्व का इलाका है, यहाँ पर कुछ किए जाने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनौतियां बहुत हैं यहाँ संसाधन जुटाने में, सड़कें बनाने में, लेकिन निरंतर प्रयास करने से इस पूरे इलाके का भला हो सकता है और यहाँ के जो लोग हैं वो आबाद, अच्छे से आबाद हो सकते हैं, उनकी आजीविका का जो मानक है वो बढ़ सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ जोलीकोंग से अजीत सिंह राठी।